बिहार विधान परिषद की दो सीटों के उपचुनाव को लेकर आज भाजपा की ओर से सैयद शाहनवाज हुसैन और वीआईपी के मुकेश सहनी ने नामांकन पर्चा भरा। पटना आयुक्त कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल किया गया। एनडीए उम्मीदवारों के नामांकन कार्यक्रम के दौरान कई बड़े नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आयुक्त कार्यालय पहुंचे और मुकेश सहनी और शाहनवाज हुसैन के नामांकन कार्यक्रम में शामिल हुए। नामांकन के बाद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारे बड़े भाई की भूमिका में रहे हैं। हम बिहार के हैं, हमारा बिहार से जुड़ाव न कम हुआ है न होगा। हम बाहर कब गए थे जो वापस हुए हैं। नीतीश कैबिनेट में शामिल होने के सवाल पर कहा कि हम लोग नीतीश जी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बीजेपी नेतृत्व ने हमें सुशील मोदी के इस्तीफे से खाली हुई सीट के लिए उम्मीदवार बनाया है। एनडीए का पूरा सब आवाज आ जाएगी। एनडीए का गठबंधन है, उसके चारों घटक दल हैं, मिलकर काम कर रहे हैं और सरकार में भी काम कर रहे हैं, सरकार के सहयोग में भी काम कर रहे हैं। और दोनों लोगों को मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूँ कि बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में उम्मीदवार बनाया गया, निर्वाचित होंगे और इन लोगों को पूरे मुझे पूरी बधाई है और सब मिलकर के काम करते हैं, सब मिलकर के काम करते हैं। लेटर लिखा है आपको कानून व्यवस्था पे जवाब पता है। सर मंत्रिमंडल विस्तार, सर मंत्रिमंडल विस्तार, आपने बार बार कहा है कि भाजपा जब चाहेगी तो मंत्रिमंडल विस्तार होगा। क्या भाजपा ने हरी झंडी दे दी है उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार होगा? हाँ।